أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई इसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मेरा और आपका मुरब्बी है। उसी अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं, जो गफ़ूर है, गफ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आखिर मेरे आका, दो जहाँ के सरदार लम्बिया पर करोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे प्रधान नशीन माँ और बहनों, आज कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत की गई है, यह आयत सूरह बकरा 100 नंबर 2 पारा नंबर 2 रुकू नंबर 25 की आयत नंबर 200 है, 200। और यह आयत भी हज के मनासिक, हज के अरकान और हज के मसाइल पर मुबनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस आयत से पहले अल्लाह तबारक तआला ने पिछली आयतों में हज के मनासिक और उसके अरकान, उसकी तरतीब अल्लाह तबारक तआला बयान करता है। उस तरतीब के बयान करने के बाद अल्लाह तआला कहता है फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम लिहाज़ा, वो यानी लिहाज़ा ऐ हाजियो, इज़ा जब, क़ज़यतुम पूरे कर लो, क़ज़ा फैसला करने के मानी में है। इसी से लफ्ज़ बना है काजी, यानी फैसला करने वाला। असल में क़ज़ा के मानी फैसला करना, टू पास ऑन, पास कर देना, गुजारना। इसलिए मौत को भी उर्दू में क़ज़ा कहते हैं। ये फैसला कर देती है इंसान की जिंदगी और मौत का, जिंदगी और आखिरत का। क़ज़यतुम जब तुम पूरे कर लो, फ़इज़ा क़ज़यतुम ऐ हाजियो जब तुम पूरे कर लो मनासिककुम, मनासिक हज के अरकान, हज के मनासिक जब तुम पूरे कर लो फ़ज़्कुरुल्लाह, तब लिहाजा अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। गौर कीजिए, ये जो लफ्ज़ है, अल्लाह जो तबारक तआला यहाँ पर जो हुक्म देता है फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, ये वैसा ही हुक्म है जैसे ऊपर ही अल्लाह ने कहा फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, मशअरे हराम के पास, मुज़दलिफ़ा के पास अल्लाह का जिक्र करो। इसी तरह कुरान में दूसरे मुकामात पर भी अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह का जिक्र करो, अहादीस रसूल ने कहा है कि अल्लाह का जिक्र करो। यह हुक्म भी वैसा ही है, अल्लाह का जिक्र करो। जब तुम हज के मनासिक पूरे कर चुको तो अल्लाह का जिक्र करो। मगर अल्लाह तबारक तआला यहाँ पर अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म देने के बाद वो कैसा जिक्र होगा, इसकी मिसाल अल्लाह तआला देता है यहाँ पर। क्योंकि इसके बाद जो लफ्ज़ है, जो हर्फ है, वो काफ है, क। और अरबी ज़ुबान में जब क इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है जैसा के, something like that. क, ये मिसाल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है क, तो वो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, यानी अल्लाह का जिक्र करो उस तरह जिस तरह आगे मिसाल दी गई है। उस मिसाल पे गौर तलब बात है, गौर करें। अल्लाह कहता है हाजियो जब तुम हज के मनासिक पूरे कर लो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। का जिक्रिकुम आबाकुम, उस तरह अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह तुम जमाने जाहिलियत में अपने बाप दादा का जिक्र करते थे। जिक्रिकुम आबाकुम, जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते थे उस तरह अल्लाह का जिक्र करो। फिर आगे अल्लाह ने कहा औ अशद्द जिक्रा, या फिर उससे भी ज्यादा, बाप दादा का जिस तरह करते थे उससे भी ज्यादा जिक्र करो। मालूम हुआ कि यहाँ अल्लाह ताला जो जिक्र करने का जो हुक्म दे रहा है, अल्लाह को याद करने का हुक्म दे रहा है, उसकी मिसाल भी अल्लाह ने कुरान में इस तरह दी जिस तरह तो अपने बाप दादाओं को याद करते थे, याद करते हो, उस तरह तुम अल्लाह को याद करो। अल्लाह को मिसाल देने की जरूरत क्यों पड़ी? और सुनो, बड़ा अहम मौजू है, बड़ी अहम आयत है, बिलखुसूस मुसलमानों के ये समझने के लिए कि अल्लाह का जिक्र आखिर कहते किसको है। आज जिक्र के माने सिर्फ तस्बीह के दाने घुमाने का नाम हो गया है, गिनती का नाम जिक्र हो गया है। ये आयत बड़ी अहम आयत है इस बात की वजाहत करने के लिए कि आखिर अल्लाह का जिक्र कहते किसको है। अल्लाह ने तो मिसाल दिया इस तरह अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते थे। अल्लाह ने मिसाल क्यों दी? अरब के लोग जमाने जाहिलियत में इस्लाम के आने से पहले जब हज से फरागत के बाद, हज से जब फारिग हो जाते तो मीना में एक मेला लगा था, बहुत बड़ा मेला। बिल्कुल हज के मौसम में, हज के सताम पर मीना के मैदान में ये मेला लगता था। इस मेले में एक खास प्रोग्राम ये भी होता कि लोग आते बारी बारी लोगों के सामने अपने बाप और दादा के तज़किरे करते, उनकी शुजाअत, बहादुरी, उनके कारनामे बयान करते। कोई कहता कि मेरा बाप बड़ा मेहमान नवाज था, तो उसकी मेहमान नवाजी की किस्तें सुनाता। कोई कहता कि वो जो था मेरा बाप उन लोगों के बड़े काम काज किया करता था, बड़े काम आया करता था। कोई कहता कि मेरा दादा, मेरा बाप सखावत में सखी था, दिलदार था, खूब दिया करता था। कोई कहता कि मेरा बाप, मेरा दादा जो है वो शुजाअत और बहादुरी में एकता था। इस तरह हर आदमी आता अपने बाप दादाओं की या अपने बाप की तारीफ करता, उसके कारनामे बयान करता। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, एक लम्हे फिक्रिया यहां पर रुक कर सोचिए और गौर कीजिए। ये अरब लोग ज़माने जाहिलियत में जब हज के मनासिक, हज के अरकान, हज से फारिग हो जाते तो इस मेले में सबके आगे अपने बाप दादाओं के कारनामे जिक्र करते, है ना? बात सामने हमारी यही आ रही है ना, अपने बाप दादाओं के कारनामे, उनकी बहादुरी, उनकी अच्छाइयां बयान करते। तो बताइए एक लम्हे के लिए रुककर, क्या ये बगैर सोचे समझे बयान किया करते थे? बगैर सोचे समझे क्या ये अपने बाप दादाओं की तारीफ बयान करते? क्या ये किसी ऐसी जुबान में बयान करते जो न ये खुद इसको समझ सकते न सामने वाले इसको समझ सकते? कैसा था? अपने बाप दादाओं की जब तारीफ बयान करते तो जाहिर सी बात है सोचते समझते फिर बयान करते, और जब बयान करते तो बड़े दिल लगाकर, बहुत समझ कर, है ना, समझने की शर्त है या नहीं है, यहाँ पर समझने की शर्त है, समझ कर लोगों के आगे बयान करते, जब बयान करते तो बाप दादा की बड़ाई भी इनके दिलों में होती, उनकी शान और शौकत, उनकी इज्जत भी अपने दिलों में होती, अपने दिलों में रखते, समझते कि वो क्या बयान कर रहे हैं, फिर उसको बयान करते, यहाँ तक कि लोगों पर उसका असर हो जाता, लोगों के सामने उनके बाप दादाओं की शुजाअत, बहादुरी, उनके कारनामे वाज़ह हो जाते, खुल कर सामने आ जाते। अरब के लोग जमाने जाहिलियत में मीना के मैदान में जब मेला लगता, अपने बाप दादाओं का जिक्र करते, क्या कह रहा हूं मैं, जिक्र करते, याद करते, तो उस वक्त होश और हवाश में होते, सोच समझ कर अपने बाप दादाओं की तारीफ करते, और जब तारीफ करते तो जो बयान कर रहे हैं उसको समझते भी। अल्लाह ने उस अमल की मिसाल देते हुए कहा, अरे हाजियों बिलखुसूस तुम, और वैसे आने वाले कयामत तक के इंसानों मुसलमानों, जब अल्लाह का जिक्र करो तो फिर तुम इस तरह कैसे करते हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। अल्लाह की बड़ाई न दिल में है, अल्लाह की शान न दिल में है, न तुमने जो कहा उसको समझा। अगर तुम्हारा जिक्र किसी के आगे, तुम्हारा जो अंदाज जिक्र है किसी के आगे अगर बयान किया जाए तो उसके भी कोई कुछ पल्ले न पड़े, उसके भी कुछ समझ में ना आए। फिर अल्लाह ने मिसाल ऐसी क्यों दिया कि तुम अल्लाह का जिक्र उस तरह करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते थे। बाप दादाओं का जिक्र करने में इंसान होश व हवास में होता है, क्या बयान कर रहा है उसको समझता है। तो हम मुसलमान क्यों अल्लाह का जिक्र करने में मदहोशी में रहे, बेहोशी में रहे, बेख्याली में रहे। सुभान 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 सुभान, इतनी मात्रा सुभान अल्लाह, समझा ही नहीं कि सुभान अल्लाह का क्या मतलब है। आपको ऐसे लोगों की मैं फहरिस्त खड़ा कर सकता हूँ, ऐसे लोगों की लाइन लगा सकता हूँ जो कसरत से सुभान अल्लाह कहने वाले हैं। अगर एक बार भी आप इनके कॉलर को पकड़ कर पूछे, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, एक बार इसका तर्जुमा बता दे, सुभान अल्लाह का मतलब क्या है, वो कहेगा पता नहीं। ये जिक्र है, ये जिक्र ऊला है, ये जिक्र अव्वल है, ये जिक्र अफजल है, ये फलाह है, ये आला। इतनी तारीफों के पुल, उसकी फजीलतों के पुल बांध देगा, मगर आप एक बात पूछे कि इसका माना और मतलब क्या है, नहीं पता। अल्लाह ने ऐसी क्यों मिसाल दिया कि तुम अपने रब को इस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं को याद करते हो। वो है कि समझना शर्त है, अल्लाह की बड़ाई को याद करना शर्त है, अल्लाह का जो नाम लिया जा रहा है उसको समझना, दिल से मानना, उसको उस कैफियत को दिल से महसूस करना शर्त है, जरूरी है। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब अल्लाह को याद किया जाए, चलिए हर बार न सही, कम से कम एक बार तो, अगर 33 बार सुभान अल्लाह कहना है तो कम से कम पहली बार सुभान अल्लाह पे तो समझा जाए, आखिरी बार तो कम से कम समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार कह रहे हैं तो कम से कम पहली बार, कम से कम आखिरी बार, कम से कम एक बार दरमियान में कहे। नहीं, मुसलमानों का अल्लाह को समझना, अल्लाह के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए जो लफ्ज दिया गया है उसका माना मफहूम समझना, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, कभी ये मौका नहीं मिलता है, कभी ये तौफीक नहीं होती। अल्लाह ने कहा अल्लाह का जिक्र है मुसलमान इस तरह करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते थे। इसलिए कहा गया कि मुसलमानों से कहा जाता है कि जब तुम 10 ज़िलहज्जा को कंकरियां मारने, कुर्बानी करने, सर मुंडाने, तवाफ काबा और सही सफा व मरवा से फारिग हो जाओ तो इसके बाद 3 दिन मिना में क़ियाम करना, 3 दिन मिना में क़ियाम करना और वहाँ खूब अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को दिलो जान से याद करना, अल्लाह की उन सिफात को याद करना जो कुरान हदीस में बयान की गई है, वो दुआएं जो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उनको पढ़ना। मगर शर्त क्या है, समझ कर। तो अल्लाह ने मिसाल जो दिया बाप दादाओं के जिक्र की दिया, और कोई भी हर जमाने में कभी किसी इंसान ने अपने बाप की तारीफ की हो और ऐसे कहा हो कि उसको पता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। इतना ही नहीं, अगर बात में समझ कर अगर अपने बाप को गाली दे तो लोग उसके गाल पर चाटा मारते हैं और कहते हैं जरा होश में आ जा, तो क्या कह रहा है समझ रहा है, अपने बाप को गाली दे रहा है। यानी होश आवाज में अगर कुछ जानबूझकर अपने बाप को गाली दे तो लोग उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जरा होश में आ जा कि तो अपने बाप को गाली दे रहा है। तो जब बाप दादाओं की बारी आती तो तारीफ करने की हो चाहे गाली देने की हो, होश हवास में होना जरूरी है। तो रब को याद करते तो होश हवास में क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों अपने दिल को प्रेजेंट नहीं रखना है, हाजिर नहीं रखना है? अपने दिल से अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई क्यों नहीं याद करना है? जब अपने बाप दादा के ताल्लुक से ये कहते थे कि मेरा बाप लोगों के बड़े काम आता था, कभी बंदे ने अपने रब के ताल्लुक से ये नहीं सोचा कि मेरा रब मेरे काम आता है। अल्लाह का एक नाम है वली, सास वली का मतलब कामों का बनाने वाला। हमने हमारे रब को कामों का बनाने वाला समझा ही नहीं, तभी तो रब के बगैर ही सारे काम हमारे हो जाते हैं, रब के बगैर। और तवक्कुल का सही मफहूम तो पता ही नहीं, जिसकी वजह से सारे काम हम खुद ही कर लेते हैं। न इब्तिदा की फिक्र है, न दरमियान की, और न ही अंजाम की। जो कुछ करते हैं सब हम करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का कहीं दखल हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आता है। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अल्लाह तबारक व तआला का दखल कहीं हो, हमारे जहन दिमाग से महू हो चुका है। जब पढ़ता रहता है बच्चा, माँ बाप उसको सिखाते हैं बेटा पढ़, खूब पढ़, इतना पढ़ के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फला बन जाए, फला बन जाए। तू पढ़ेगा तो नवाब बनेगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। उसके जहनो दिमाग में बस एक ही ख्याल है, मैं पढ़ूंगा तो नवाब बनूंगा, मैं पढ़ूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, मैं पढ़ूंगा तो इंजीनियर बनूंगा। उसके जहन दिमाग में यह भी ख्याल नहीं डाला जाता इसके साथ साथ कि बेटा तेरी पढ़ाई के साथ रब की मर्जी का शामिल होना शर्त है, और अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो तुझे कामयाब करेगा, वरना तेरी कोशिशें तुझे कामयाबी तक नहीं लेके जा सकती। अल्लाह कहता है कुरान मजीद में वलिल्लाहिल तर्जिउल उमूर, हर काम का अंजाम निकालना अल्लाह के हाथ में है। क्यों? ये अकीदा बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे हैं छोटे, उन्हें क्या मालूम। हम बड़े हो गए, अब समझ में आ गया कुरान पढ़ा, आपको आ गया, उन्हें अभी तक नहीं आया। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी उम्र तक जब वो पहुंचे तब उन्हें यकीन समझ में आए कि सारे अंजाम, हर काम का अंजाम निकाल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह उन्हें मौका दे रहा है, आज आपको इस उम्र में अल्लाह ने समझाया, जवानी में, अधेड़ उम्र में, बुढ़ापे में अल्लाह ने इस अकीदे को समझाया कि कामों का अंजाम निकालना अल्लाह के हाथ में। और बच्चे को मौका मिल रहा है, उसके लिए तौफीक मिल गई कि उसको इस उम्र में समझाया जाए तो जरूर समझाइए, वो इस अकीदे के साथ बड़ा हो कि कामों का अंजाम निकालने वाला अल्लाह ताला है। मेरी कोशिश है, एक तरफ मेरी कोशिशों से मैं नाकाम हो सकता हूँ, मगर मेरी कोशिश से इसके साथ में अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल रही तो मैं जरूर कामयाब होगा। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ मेरी सारी कोशिश के बावजूद, मेरी सारी दुआओं के बावजूद, तो अल्लाह की तकदीर गालिब आएगी मुझ पर। यह अकीदा बच्चों के जहनों में नहीं मिलता है, मेरी तकदीर गालिब आएगी, अल्लाह ने जो लिख रखा है वो होकर रहेगा। हालांकि मैंने मेहनत पूरी कर ली, रब से दुआएं भी कर ली, फिर भी अंजाम हाथ में नहीं आया। अल्लाह लिख रखा था कि नहीं होना, नहीं हुआ। अल्लाह की तकदीर, अल्लाह की मर्जी और मंशा है। यह अकीदा बच्चों के जहन में नहीं आता है। तो बड़ा होता है, पहले से शादी के ताल्लुक से प्लानिंग होती है, पहले से शादी के ताल्लुक से प्लानिंग होती है। मैं डॉक्टर हूं तो मेरी बीवी डॉक्टर, तब जाके एक गाड़ी के दो पहिए एक जैसे, एक साइज के होंगे तो गाड़ी बिल्कुल हमवार और सही सलामत चलेगी। मैं डॉक्टर और मेरी बीवी घरेलू औरत, होम वाइफ, तो एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा हो जाएगा तो गाड़ी सही ढंग से नहीं चलेगी, झुककर चलेगी। उसका इफेक्ट बच्चों पर आएगा, उसका इफेक्ट मेरे नवासे पोतों पर आएगा। देखो कितनी दूर की प्लानिंग है, जबकि इस दुनिया का आम उसूल है एक मर्द के लिए एक औरत मिल गई जिंदगी जरूर गुजरेगी। हम ख्याल कहते किसको है? हम अंग्रेजी जानते हैं तो बीवी अंग्रेजी जाने, इसको हम ख्याल कहते हैं। ऐसे हम ख्याल कितने हैं जिनके हम ख्याल होने के बावजूद भी जिंदगी जी का जंजाल बनी हुई है, परेशानियों का गढ़ बनी हुई है। क्यों? सारी प्लानिंग, सारी क्या कहते तरकीबें लगाने के बावजूद भी ऐसी चीज ही ढूंढी कि जब हो रही थी तो बड़े खुश थे, साल दो साल पता लगा कि ये मेरे लायक नहीं है और उसको ये पता लग रहा कि ये आदमी मेरे लायक नहीं है। अच्छा जब प्लानिंग चलो हो जाती है, पहले से प्लानिंग है, हम दो हैं, हमारे दो रहेंगे, मैं एक तेरे अकेले को पाल नहीं पा रहा हूं, तू मेरे अकेले को पाल नहीं पा रही। आज ये दोनों जुमले कहना पड़ता है, क्यों? बगैर बीवी काम किए आज घर में रह नहीं सकती है, उसका भी कमाना शर्त हो चुका है। कहते हैं ना, वही मिसाल देते हैं कि एक गाड़ी के दोनों पहिए अगर चल रहे हो तो गाड़ी चलेगी, एक पहिया एक चाक अगर जाम हो और एक ही पहिया चल रहा हो तो गाड़ी सही ढंग से नहीं चलती, ब्रेक लगाकर चलती है। तो वो दूसरा पहिया जो जाम है वो बीवी की तरफ इशारा करते हैं, औरत की तरफ, कहते हैं वो भी कमाने वाली हो तब जाके सही ढंग से चलेगा। दोनों एक दूसरे को पाल रहे हैं, अब पालते पालते जब बच्चों का ख्याल आता है तो कहते हम दो हमारे दो, तब जाके हम दोनों क्या हक अदा करेंगे। तालिबान इससे पहले मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था, कहते हैं कि एक बच्चा हो, एक बेटा हो, एक बेटी हो तो मैं सही हक अदा करूंगा। एक एक का होने पर क्या अकीदा रख रहे हैं, क्या उसूल बना रहे हैं, मैं हक सही अदा करूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने भी तो एक ही माँ दी थी, एक ही बाप दिया था, तब हक अदा नहीं किया, एक ही था। अभी अगर 10 बच्चे हो जाए तो परेशानी कि इनका पेट पालूंगा कैसे मैं, इन्हें कौन खिलाएगा पिलाएगा। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है अपने रब होने के ताल्लुक से, अरे मेरे बंदो अपनी औलाद को कत्ल न करो इस वजह से कि वो तुम्हारे साथ बैठकर खाएगी। क्यों अल्लाह सीधा ये दे रहा, क्यों दे रहा है? क्योंकि हर बाप को, हर माँ को इसी फिक्र ने खा लिया है कि मेरी औलाद जब बड़ी होगी तो उन्हें खिलाना पड़ेगा, इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। माँ की तो जिम्मेदारी ढंग से नहीं उठाया, बाप की तो जिम्मेदारी ढंग से नहीं उठाया, बेटे को जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। तू अल्लाह का बंदा है तो वो भी अल्लाह का बंदा है, तू तेरी तकदीर उस वक्त तेरी तकदीर लिखी जा चुकी थी जब ये पूरी कायनात के बनाने से 50,000 साल पहले तेरी तकदीर लिखी जा सकती है। तो क्या तेरी औलाद की तकदीर अल्लाह ने तेरे हाथ में दे दिया कि ऐ मेरे बंदे तू बाप होने के ऐसे तेरी तकदीर मैंने इस कायनात के 50,000 साल पहले लिख दिया, तेरी औलाद की तेरे हाथ में ले। इसे इन्हें जो पढ़ाना ही पढ़ा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, उर्दू मीडियम से पढ़ा, जिस मीडियम से चाहे उस मीडियम से पढ़ा, जिसमें ज्यादा फायदा है, जिसमें ज्यादा गवर्नमेंट के फंड्स एड्स होते हैं, मदद किए जाते हैं, उससे पढ़ा। बाकी के बच्चों की तकदीर तेरे हाथ में, ऐसा तो नहीं है। जब बाप की तकदीर 50,000 साल पहले लिखी जा सकती है तो बेटे की तकदीर 50,000 साल पहले लिखी गई है। ये जो औलाद है ये सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के लिए अमानत है। क्या है? सिर्फ अमानत है, इनके हाथ में दी गई है। अल्लाह देखना ये चाहता है कि मेरी इस अमानत की ये क्या ख्याल रखते हैं, क्या खयानत करते हैं कि या सही परवरिश करते हैं। इस पर अल्लाह तआला अज्र और सवाब देने वाला है, अज्र और सवाब देने वाला है। इसमें कमी और कोताही इंसान के लिए आखिरत में वाले जान बनकर रह जाएंगे, वरना वो तो बच्चा अपनी तकदीर लेकर आया है, उसके साथ जो होना वो होकर रहेगा। आप प्लानिंग कर रहे हैं डॉक्टरी की, बच्चे की तकदीर लिखा हुआ है इंजीनियर की। 12th में आने के बाद परसेंटेज कम हो रहे हैं, दोबारा बिठाने की कोशिश हो रही है, दोबारा 12th कराएंगे, फिर भी कम परसेंटेज। जान दो इंजीनियर तो कम से कम बना देंगे, क्यों? आपकी तो बचपन से प्लानिंग डॉक्टर की थी, अब इंजीनियर क्यों बना? तकदीर लेकर आया है, अपनी तकदीर पूरी करके रहेगा। देखिए ये मैं मेरी और आपकी जिंदगी नहीं, आप मुसलमानों की जिंदगी का ये पिक्चर आपके आगे रख रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी में कहे नहीं है, सारी प्लानिंग हमारी है, सारी प्लानिंग हमारी है। घर बनाने से लेकर, बच्चों की शादियां करने से लेकर, नौकरियां करने से लेकर, जगह जगह तक हमारी सारी कोशिशें और काविशें अल्लाह तबारक व तआला नहीं है। अल्लाह को हमने कारसाज नहीं समझा है, तो अल्लाह को जब अगर कारसाज समझे, अल्लाह का नाम ले वली, अल्लाह का नाम ले सत्तार ऐबों का छुपाने वाला, अल्लाह का नाम ले कबीर बड़ाई वाला, तो अपनी बड़ाई कम हो जाती है, अपने अंदर आजीजी आ जाती है। अल्लाह को बड़ा समझेगा तो तब जाके अपने अंदर आजीजी आएगी। अल्लाह के नामों का समझना, उनकी बड़ाई को, उनकी शान और शौकत को अपने दिल में रखना, फिर उसके बाद अल्लाह का जिक्र करना, ये बड़ा अहम है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम उस तरह याद करो अल्लाह को जिस तरह अपने बाप दादा को याद करते थे, अपने बाप दादा को बेसमझे याद नहीं करते थे, समझ के याद करते थे, तो अपने रब को क्यों बेसमझे याद करते हो? तो अल्लाह ने कहा कि जब मिना में 3 दिन क़याम करो तो वहां अल्लाह का खूब अल्लाह का जिक्र करो, जैसे जाहिलियत में जो अपने बाप दादा का तस्करा किया। गोया के मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जो करना चाहिए वो होश हवास में पूरी समझदारी के साथ जो अल्फाज जिक्र किए जा रहे हैं, जैसा कि कल मैंने बताया, जिक्र एक अलग चीज है, दुआ एक अलग चीज है। अहादीस में दोनों अलग अलग किस्म की अहादीस आई है। आज मुसलमानों ने इसमें भी गड़बड़ी की, जो दुआएं हैं उन्हें भी जिक्र में शामिल कर दिया। जो जिक्र है वो तो सिर्फ बराए नाम जिक्र है, उसमें कोई फिक्र है ही नहीं। जो जिक्र है वो बराए नाम जिक्र है, उसमें कोई फिक्र नहीं। और जो दुआएं हैं उन्हें भी जिक्र कर दिया गया। जिक्र से मुराद ही क्या है? हालांकि अरबी जुबान में जो लफ्ज जिक्र है बड़ी गहराई बड़ी गहराई वाला है, बहुत डेप्थ है इसमें। जिक्र के माने याद करने के हैं, जिक्र करना है ना, इतना ही नहीं, जिक्र के माने याद दहानी के लिए है, याद दिलाना। तो गोया के अल्लाह के नाम, अल्लाह के सिफाती नाम, आसलम ने जो दुआएं सिखाई उन दुआओं में न सिर्फ जिक्र किया जा रहा है बल्कि याद दहानी भी है, दुनिया की, आखिरत की, मरने के बाद कब्र की जिंदगी की याद दहानी भी है। उन दुआओं को अगर समझकर एक बंदा पढ़े, और जो जिक्र अज़कार है यकीनन उसमें गिनती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गिनना आपका काम है, गिनने पे आपका ध्यान होना चाहिए कि ये 33 बार हुआ या 34 बार हुआ या 50 बार हुआ या 100 बार हुआ। बहुत सारे अज़कार ऐसे जिसमें कहते हैं 100 बार इसको पढ़ो। जाहिर सी बात है 100 बार तो दिमाग नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कम अज कम एक बार तो क्या पढ़ो, उसका माना मफहूम तो समझ कर पढ़ो, कम अज कम एक बार तो। गिनती है, गिनती नहीं, ऐसा नहीं करो। गिनती है, गिनती इंसान को करना है, ये आप सल्लम का दिखाया हुआ सुन्नत तरीका है, आप सल्लम ने खुद किया है। आइए जिक्र की बात निकली है तो एक और मसला छेड़ता हुआ आगे बढ़ूं। जिक्र के ताल्लुक से अगर आप सल्लम की पूरी जिंदगी, सहाबा की पूरी जिंदगी, ताबईन ताबईन की पूरी जिंदगी अगर आप देखें तो आप सल्लम हमेशा अल्लाह तबारक तआला का जिक्र से मुराद वो अल्फाज जो गिनती किए जाते, गिने जाते हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। जब अल्लाह का जिक्र करते तो हमेशा अपने सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों पर करते, हमेशा। इब्न माजा की सही हदीस, आप सल्लम हमेशा अपने सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों पर अल्लाह का जिक्र करते। कभी आप सल्लम ने अपने बाएं हाथ पर जिक्र नहीं किया। आप सल्लम की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, ताबईन की जिंदगी पूरी की पूरी अल्लाह तबारक तआला का जिक्र अपने सीधे हाथ पर करने पर गुजर गई। आज पूरे मुसलमानों की जिंदगी अल्लाह का जिक्र किस पर करने पर गुजर रही है? किस पर? उस पर जो अल्लाह के रसूल के जमाने में नहीं था, उस पर जो सहाबा की जिंदगियों में नहीं था, उस पर जो ताबईन की जिंदगी में नहीं था। मुश्किल से 400-500 साल पहले एक जिक्र का नया अनमोल तरीका, तनकीद करना मकसद नहीं है मगर जो साबित नहीं है उसकी तरफ इशारा करना भी जरूरी है। उस पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है जो लोगों ने बनाए गिनती के लिए। इतना ही नहीं, एक मरतबा एक मस्जिद में जाना हुआ, आम वक्त में गया मैं, कोई नमाज का वक्त नहीं था, वक्त था तो मैंने वजू बनाया, सोचा 2 रकात पढ़ ले। खटखुट 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 ऐसी आवाज आ रही है, पूरी मस्जिद गूंज रही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? देखा तो एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनके हाथ में एक मशीन है और ठक 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 उसको दबा रहे हैं। मतलब ये है कि मुझे गिनने का भी टेंशन नहीं चाहिए और नहीं पढ़ने का टेंशन चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं वो तो पता ही नहीं है और गिनने का भी टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि उनके 1,00,000 बार 1,00,000 कर रहा है उसको, गिनती को। वो क्या कहते हैं उसको स्लैब कहते हैं उसको। वो 1,00,000 का वो जब तक गिनती मुकम्मल नहीं होती उस वक्त का भी टेंशन नहीं। आप सल्लम कहते हैं कि इसको 33 बार पढ़ो, इसको 10 बार पढ़ो, इसको 100 बार पढ़ो। क्यों कहा? गिनने के लिए कहा, ताकि इंसान का ध्यान रहे कि वो क्या पढ़ रहा है। तो वो साहब तस्बीह का एक नया स्टाइल मशीन मिल गई इनको, ठक 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 बोल के बाजार बैठे हैं, इससे पूरी मस्जिद गूंज रही है, पूरी मस्जिद गूंज रही है। इतनी आप क्यों? आप नहीं चाहते कि आप अल्लाह का जिक्र करें और आपके हाथ अल्लाह के आगे गवाही दे कि अल्लाह ये मैं हूं जिस पर तेरा बंदा तेरा नाम लिया करता था। गवाही नहीं दी। इंसान के आजा अल्लाह के आगे गवाही देने वाले आज वसल्लम जब अल्लाह अपने हाथों पर अल्लाह का जिक्र करते तो हम कौन है कि किसी और जरिए के जरिए अल्लाह ताला का जिक्र करें, जबकि हमारे साहब हमारे पास वो आला मौजूद है जो रसूल देकर गए, वो टूल वो हथियार मौजूद जिस पर आप सल्लम जिक्र किया करते थे। तो आज ऐसे ऐसे टूल ऐसे ऐसे हथियार निकाले गए कि क्या पढ़ रहे हैं ना उसका टेंशन रहे और न ही गिनने का टेंशन रहे, दोनों से आरी यानी पूरी तरह दिमाग से खाली, पूरी तरह दिमाग खाली है। अल्लाह कहता है यूं ना करो, जब अल्लाह का जिक्र करो तो होश हवास में समझ कर करो, उस तरह करो जिस तरह तुम अपने बाप दादा का जिक्र किया करते थे, सोच समझ कर बड़ाई बयान करते थे, समझ कर तारीफ करते थे, तो उसी तरह अल्लाह की भी तारीफ करो, समझ कर करो, समझ कर उसकी तारीफ करो, उसकी सना बयान करो। बहुत सारे लोग अब आप देखें नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सना है, सना पढ़ते हैं। अगर आप 10 लोगों को रैंडमली अगर आप चुने मुसलमानों को, तो 10 में से आपको 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो नमाज में पढ़ते सना सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक, क्या पढ़ते सना सुभानकल्लाह। क्यों बोले तो मौलवी साहब ने बचपन ऐसा याद करा सना सुभानकल्लाह। अरे सना सुभानक नहीं, सना इज द टाइटल, एक उन्वान है, वो दुआ में शामिल नहीं है, दुआ में शामिल नहीं, फिर भी वो मौलवी साहब ने याद करा ले सना सुभानकल्लाह। जैसे कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कलमे तैयबा ला इलाहा ऐसा याद। अरे कलमे तैयबा टाइटल है। तो सना सुबह नमाज में भी पूरी बचपना जवानी बुढ़ापा गुजर जा रहा है, लेकिन सना सुभानकल्लाहुम्मा के साथ नमाज चालू है। अच्छा लोग गलती तो गलती, कम से कम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक माना क्या है इसका, कभी मौका नहीं मिलता, कभी तौफीक नहीं मिलती इसका माना मौका समझने की, नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तौफीक उसको मिलती है जो राह चले। अल्लाह इकबाल क्या कहते हैं, हम तो माइल व करम है कोई साहिल ही नहीं। अरे हम तो देने के लिए तैयार है, कोई मांगने वाला नहीं। अब कोई रास्ता ही नहीं चाहता, अल्लाह उसको रास्ता दिखाए। क्यों? जो मंजिल तक जाना ही नहीं चाहता, जो रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता, उसको रास्ता दिखाए। क्यों दिखाए? सवाल है क्यों दिखाए? तो जिन्हें इसका माना मफहूम जानने की कभी जुस्तोजू नहीं हुई, अल्लाह उन्हें नहीं समझा, जिसके अंदर जुस्तोजू थी अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें घोर अंधेरों से निकाला और हिदायत की तरफ ले आया। इनके माने मतलब भी समझ में आ गए। आज कुरान पढ़ते तो मजा आता है, नमाज पढ़ते तो मजा आता है, दुआ करते हैं तो खुशी होती है। क्यों? दिल जाग गया है, सोया हुआ नहीं है, दिल जाग गया है, इसमें हिदायत का नूर पनप रहा है। यह अल्लाह का जिक्र, ये होश व हवास में अल्लाह का जिक्र करना है। इसलिए आगे अल्लाह ने इसी टुकड़े में कहा फ़मिन अन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो अल्लाह का जिक्र आ गया, अल्लाह से मांगने की जब बात आ गई तो आयत के दूसरे टुकड़े में अल्लाह ने कहा कि वो फ़मिन अन्नास, और लोगों में बाद लोग ऐसे भी हैं मन यक़ूलु, जो ये कहते हैं रब्बना, आए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में ही जो कुछ हमें देना है दुनिया में ही हमें दे, दुनिया में ही हमें दे। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़, और उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। दे डोंट गेट एनीथिंग, उन्हें कुछ भी आखिरत में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ मांग रहा था उन्होंने दुनिया में मांग लिया। अब आप देखिए खैरों की तरफ कहने से कोई फायदा नहीं। मुसलमानों की जिंदगी देखिए, जो कुछ तगोदौड़ कोशिश है सारी की सारी दुनिया की हद तक है, सब का सब दुनिया की हद तक। जो कुछ सोचेंगे 24 घंटे में 90% दुनिया कैसे सवरे, दुनिया कैसे सुधरे, दुनिया में कैसे डेवलपमेंट हो, दुनिया में कैसे तरक्की हो, मेरी जिंदगी में कैसे तरक्की हो, लोगों की जिंदगी में कैसे तरक्की हो, दुनिया 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 दुनिया। अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है कि असल में तुम वो लोग हो जो दुनिया को तरजीह देने वाले हो, बस आखिरत तो खैर व अबका, बल्कि आखिरत इससे बदर जहां बेहतर है। बल तु'थिरून अल हयात अद दुनिया। तीसरे बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सब्बिह रब्बिकल आला, सूरह आला के अंदर बल तु'थिरून अल हयात अद दुनिया, तुम वो लोग हो जिसके दुनिया की जिंदगी को प्रोफेयर करते हो, तरजीह देते हो। बल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि आखिरत इसके मुकाबले बदरजा बेहतर है। मुसलमानों की तकवा और काविश ये है कि दुनिया संवर जाए, है ना। भलाई भी रब से मांगते हैं तो अल्लाह अच्छी नेक औलाद दे, अल्लाह मेरे लिए अच्छी जगह नौकरी कर दे, अल्लाह मेरे लिए अच्छी बीवी ढूंढ के रहे, अल्लाह जो कुछ मांग रहा है सब दुनिया की है। इसलिए कुछ मौलवी लोगों ने भी कुछ ऐसे नुस्खे समझते हैं, गोलियों की चिट्ठियां ऐसी दे दी है कि अगर 2 रकात इस तरह पड़े तो जो दुआ मांगेगी कबूल होगी, जो दुआ मांगेगी। अब दुआ क्या मांगता है, कभी कभी इसका भी हवाला दिया होता है, दुनिया की कोई भी कामयाबी मांगे उसको मिल जाएगी। अब इस अमल को पास कराने के लिए ये भी असर दे देते हैं कि कोई गुनाह की बात न मांगे। अरे तुमने उसको फार्मूला ऐसा दिया जो दुआ मांगे कबूल होगी, तो जाहिर सी बात हो दुनिया ही मांगेगा। बिदात करने के बाद इंसान हक राह थोड़ी मांगेगा, वो बिदात जिसको अल्लाह के रसूल ने बताया ही नहीं, इसको इजाद किया गया। ऐसी 2 रकातें एकदम अनोखी, 25 बार सूरह फातिहा, 25 बार सूरह इखलास, जब ऐसी 2 रकातें जब पढ़ेगा और रब से मांगेगा तो दुनिया ही मांगेगा। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, ये अल्लाह का सिफाती नाम है, अगर इसको 100 बार पढ़ा जाए तो दुश्मनों पर रौब बैठेगा। जाहिर सी बात है दुनिया का ही फायदा है, दुश्मनों पर रौब बैठेगा, लोग आपको देखेंगे तो आप क्या हाजी हाजी करेंगे। ये अल्लाह के ऐसे लोगों ने किताबें छापी हैं, अल्लाह के नाम सिफाती नामों का इतनी बार विरुद्ध किया जाए तो उसमें ऐसी तासीर होती है कि दुश्मन को रौब पड़ता। क्या ये दुनिया? अल्लाह कहता है बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह जो कुछ देना है ना दुनिया में दे दे। अल्लाह कहता है भले ही उनके कहने पर शायद मिल जाए और आखिरत में कोई उनके लिए हिस्सा ना होगा। एक हदीस आधी आज सुना रहा हूँ, आधी कल सुनाऊंगा, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई अगली आयत है, आधी हदीस। आप एक साहबी के घर पे गए, देखा कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब, यहाँ तक के सूख का चूजा नजर आ रहा है, हड्डियां नजर आ रही है, इतने। हालांकि साहबी है, उसने पूछा क्या बात है, तुम इतने बीमार कैसे हो गए, ये दुआ किया करते थे? लिंक लॉजिक आप समझ लगाया, पूछा क्या कोई दुआ किया करते थे? कहा अल्लाह रसूल, मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह जो कुछ आदाब मुझे आखिरत में देना है वो दुनिया में ही दे दे। इतने बीमार हो गए कि चूजा बन गए, पूरी हड्डियां नजर आ रही है। आप समझा अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझ पर रहम करे, इस तरह नहीं मांगना था। क्या मांगना था कल सुनेंगे, जो अगली आयत अगली है। क्या मांगना था अगली आयत में अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान को सुनने समझने के अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। वाक़िफ़ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।